दो कोसेंट्रिक सर्कल है। चलो जब तक मैं दो कोसेंट्रिक, कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर होगा, दो सर्कल होंगे, ठीक है, जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दो सर्कल बन गए। अब क्या बोला, इनकी रेडियस ए और बी है, और बता रखा है ए और बड़ा है बी से, यानी बड़े वाले सर्कल की रेडियस ए है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में एक कॉर्ड बनानी है। कॉर्ड कैसी होती है, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, लेकिन वो टच करनी चाहिए छोटे वाले को, यानी कुछ इस तरीके से। अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं, छोटे वाले को टच करवा दूं, ऐसे ऐसे बोल रहा है, और बोल रहा है इसी कॉर्ड की लेंथ बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये ए भी बताना है तुम्हें इस क्वेश्चन में, और ये सेंटर हो गया हमारा, हमें ए भी पता करना है, ठीक है, और ये सेंटर है, क्लियर। अब देखो कैसे होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझो इस बात को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। अगर ये सेंटर है, इफ दिस इज सेंटर, और ये रेडी, ये हमारी कॉर्ड है, तो हमें पता है कि अगर हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, और ये पॉइंट एम है, तो ए एम बराबर एम बी होगा, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। और ये छोटा सर्कल है, और यहां से यहां तक रेडियस होगा, और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है, बी है। और अगर ओ को ए से ज्वाइन कर दूं, तो ओ से ए तक का, यानी सर्कमफ्रेंस तक का पॉइंट है ये, तो ये बड़े सर्कल की रेडियस हो जाएगी, नहीं ए हो जाएगी, समझ रहे हो, ए हो गया। तो पाइथागोरस लगा दो, क्या लगा दो, ट्राइंगल बना लो इस तरीके से, यहां 90 डिग्री है, ओ एम ए, ओ एम ए, ओ एम ए, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहां पे पाइथागोरस से ए एम निकाल लो, क्या निकाल लो, ए एम, इन ट्राइंगल ओ एम ए, इन ट्राइंगल ओ एम ए, हम ओ, ये वाला पॉइंट ओ है, ओ एम ए ट्राइंगल अगर ले लें, तो ए एम कितना आएगा, ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए एम स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा, ए एम की वैल्यू आ जाएगी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी कह सकते हो कि ए बी की जो लेंथ होगी इसकी डबल होगी, तो ए बी क्या आ जाएगा हमारा फाइनली, ट्वाइस ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।